आदाब नाजरी, राज शहना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पोल परिस्तान रामन की पंचायत सेना बत्ती में आज कोविड केयर मरकज के लिए 5 बिस्तर भेज दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नायब सरपंच और मतलका पंचायत के लंबरदार ने ये बिस्तर मौसूल किए। बता दें कि इंतजामिया पहाड़ी इलाकों के लोगों को घरों की दहलीज पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हर पंचायत में 5 बिस्तरों पर मुश्तमल कोविड केयर मरकज बनाए जा रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए देखिए मोहम्मद अनीस शेख की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख अभी यहाँ पे पंचायत सेनापत में हम मौजूद हैं। जिस तरीके से आज कोविड को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे हर एक पंचायत में जो कि पोगल तहसील पोगल परिस्तान के 17 पंचायत है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर के लिए जो कि बेड 5-5 तकसीम किया जा रहा है हर एक तकसीम में। इसीलिए सिलसिले में हम जानना चाहेंगे यहाँ के नायब सरपंच सेनापत के उनसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे, तो सर बताएगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन अभी तक, जैसे कि महामारी चल रही है, कोविड चल रहा है यहाँ पे आज इसे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रामबन ने आज बनिहाल के मुख्तलिफ मुकामात पर जरूरतमंदों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। इसी दौरान इनके हमरा पार्टी के दिगर कारकुनान भी मौजूद रहे। इन्होंने लोगों से अपील की कि इस महामारी से बचने के लिए SOPs पर अमल करें। देखिए महरान वानी की ये खास रिपोर्ट। शाह और मैं बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हूँ जिला रामबन से। आज का हमारा मेन मोटो जो था, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर ये जो महामारी फैली हुई है जिसको कोविड 19 से जाना जाता है, ये हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी। अनवाड़ा के गांव नतनूसा रसवारी के लोगों ने महकमा आबपाशी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा की जानिब से मुतलका इलाके में कोई भी आबपाशी पंप नस्ब नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ज़रात के लिए पानी में असर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पानी ना होने की वजह से इनकी ज़राती सरगर्मियां ठप हैं और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की कि इलाका में पंपिंग सिस्टम नस्ब करके पानी की किल्लत को पूरा किया जाए। देखिए आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। पन्न तरफ तूत इरिगेशन वाल तमो तम पाल कह लिहाजा अगर इस इंसाफ नाइंसाफी आज गए नो रोड रोड करो ब्लॉक तम पत अगर अत हेर फेर गए तम जिम्मेदार लागू तेल कतन तिथि इंतजाम अगर न। भारतीय फौज ने आर्मी गुडविल स्कूल कुपवाड़ा में कोविड केयर मरकज कायम किया है। वाज़ा रही कि कोरोना वायरस से लड़ने में फौज महकमा सेहत और सिविल इंतजामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इसी जमीन फौज ने आर्मी गुडविल स्कूल कुपवाड़ा में कोविड मरकज कायम किया और तिब्बी अमला की तैनाती अमल में लाई। मजीद जानकारी के लिए देखिए पी राबित की एक खास रिपोर्ट। करता हूँ कि एक फैसिलिटी इनके नेतृत्व में यहाँ एक एस्टेब्लिश हुई जहाँ 50 बेडेड हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल जो है।
टिप्पर ट्रैक्टर ड्राइवर एसोसिएशन ने आज बांडीपुरा में जोरदार एहतजाज किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बांडीपुरा के ट्रांसपोर्टरों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। एहतजाज कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि पुलिस की जानिब से बिला वजह इनकी 4 गाड़ियों को सीज किया गया है, जिन्हें फौरी तौर पर रिलीज किया जाना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्राइवरों के मसाइल का अजाला करें। मजीद जानकारी के लिए देखिए बांडीपुरा से तौसिफ अहमद की खास रिपोर्ट। जिला बांडीपुरा की तमाम पंचायतों में 5 बिस्तरों पर मुश्तमल कोविड केयर सेंटर को फाल बना दिया गया है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन पर रोक लगाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायतों में कोविड केयर मरकज कायम किए गए हैं, जहां पर लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। मराकज को फाल बनाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेम्बरान काम कर रहे हैं और तमाम मराकज में तरबियत याफ्ता नर्सों को तैनात किया गया है। मजीद जानकारी के लिए देखिए तौसिफ अहमद की ये खास रिपोर्ट। और पे जो मुझे तो पता है कि बेटा